I've always wondered कि बिग बॉस हाउस में 90 डेज लोग कैसे रह पाते हैं. लाइक मैं वहां पे तो दो दिन भी नहीं रह पाऊंगा. हाय आई एम राहुल और 9XC में हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि बिग बॉस हाउस में एंट्री लेना एक सिंपल मैथ का फॉर्मूला होता है पर वहां पे सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल होता है. बट डोंट वरी, फॉलो कीजिए हमारी कस्टमाइज सर्वाइवल किट जो बनाया गया है बिग बॉस के एक्स विनर्स और लूजर्स के टिप्स और एडवाइस के साथ. अगर आप बिग बॉस हाउस में हो तो ऑफ कोर्स आपको काम तो करना पड़ेगा, पर हमारे पास कुछ केसेस हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल काम नहीं किया. निकम्मे बन जाओ, ढीठ बन जाओ, अगर आप नहीं करना चाहते काम मत करो. और उसका एक एग्जांपल तो मैं बैठा हूँ, मैं खुद नहीं कोई टास्क करता था लेकिन उसके बाद विनर बनाऊ. ऐसा बुखार ले लो कि चाय में अपना हाथ डाल दो, गर्म पानी में हाथ डाल के बोलो देखो मुझे बुखार है, या बोले कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, इमोशनल हो जाओ, मेरे से काम नहीं हो रहा है, या झूठा मोटा गिर जाओ, नजरों से नहीं वैसे गिर जाओ, मतलब और बोलो कि मुझे लग गई, मेरा घुटना नहीं हो रहा है, चलने को नहीं हो रहा है. मैं भी 45 डेज था, मैंने तो काम नहीं किया था. मुझे बोला बर्तन धोएंगे, मैंने बोला लात मारूंगा जो बोलेगा मुझे बर्तन धोने के लिए. मुझे किसी ने बोला भाई जी आप सफाई कर लोगे, मैंने कहा जूते खाओगे मुझसे आप. वाओ, इफ यू कांट कंट्रोल योर बेसिक इंस्टिंक्ट देन गो वेयर नो कैमरा कैन फॉलो यू. बट क्या ये पॉसिबल है? वॉशरूम टॉयलेट में पहुंच जाओ और क्या, वहां तुम कुछ ही करो, तो वहां तो कोई है नहीं, बस आप जाते हुए दिखोगे और आते हुए. Nobody is going to disturb you. सब तो किस करते हैं रजाई ऊपर लेके, किस किस की महफिल में किस किस ने किस किस को किस किया. एक हम थे जिसने हर किस को मिस किया और एक अरमान कोहली थे, सबको भर भर के किस किया. अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूं, इट्स अ रियलिटी शो, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट. मैंने गाली को शब्दों में यूज किया, जैसे बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 साफ, घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे कारे चमन प्रास. होमवर्क करके जाओ वहाँ पे अपने घर से अभी से, कि आप पूरे जनता के सामने क्या कॉमेडी करते हो, क्या एंटरटेनमेंट करते हो, आपकी आवाज़ कैसी है, आप गाना भी गा सकते हो. दिस इज अ स्टेज वेयर योर करियर कुड बी ग्रास्प इन योर हैंड्स. टैलेंट तो लोग दिखाते हैं, यूनिक टैलेंट, फूड स्विमिंग पूल में फेंकना, एक दूसरे को मारना पीटना, जूते मारना, वाह. More couples come out of Big Boss than any marriage bureau. Yes, it's a fact. मैंने अपनी रिसर्च कर ली है. So this is how you can impress the ladies. कि हुआ सीने में दर्द तो उसकी दवा तुम हो, और ना होता कयामत का डर तो कह देता खुदा तुम. भाई प्यार किया तो चौड़े में इजहार करो. अगर आपका बहुत ही ज्यादा दिल हो आ गया किसी के ऊपर तो आप इंप्रेस करो, उसके सामने डिस्को डांस करो, उसको हंसाओ, एंटरटेन करो, शो योर पॉजिटिव साइड टू द गर्ल. तो प्रपोज ही करना है और क्या है, वो तो मना ही नहीं करते बिग बॉस, कहते हैं आपको जो करना करो, हमारे तो कैमरे चालू हैं भैया बस. अब मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे बिग बॉस काजी. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो एंटर विद अ बैंग. जिस दिन आप एंटर करेंगे उसी दिन एंटर करते ही आप जाके सबको पेल दीजिए, पूरे किचन को तोड़ दीजिए. ये रिकॉर्ड कभी नहीं बना कि पहली रात को किसी ने झगड़ा किया और नेक्स्ट डे से झगड़े शुरू हुए हैं. आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल टिप है, दैट मैन राइट देयर इज द एक्चुअल बिग बॉस. अगर वो आपकी तरफ है देन यू आर सॉर्टेड बॉस. अगर सलमान को इंप्रेस करना है तो सारी वही बातें कीजिए जो सलमान भाई चाहते हैं. तो मैं ही कर सकता हूँ, बाकी तो इतना लोगों में टैलेंट है नहीं. अगर आप ड्रामा करोगे, शो ऑफ करोगे, एटीट्यूड एंड यू ए कूल डूड और आई एम सो कूल एंड वाव, ये सब वो सब नहीं करना, चिल्ड आउट रहना. ही लव सिंपलिसिटी बिकॉज इज अ वेरी सिंपल मैन. तो ये थी हमारी कस्टमाइज सर्वाइवल किट. अपनी क्वेरीज और डाउट्स हमें ट्वीट करें और अब मैं इसकी कॉपीज को इस साल के कंटेस्टेंट्स को बेचने जा रहा हूँ. बाय.